दोस्तों भिन्नों को कैसे कंपेयर करते हैं, पार्ट वन में भी मैंने आपको एक बहुत मजेदार ट्रिक बताई थी और दोस्तों पार्ट टू में भी उससे भी मजेदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। सिर्फ आपको ये पता लगाना है दोस्तों कि कौन से भिन्न बटे 5/7, 9/11, 13/15, 17/19 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सिर्फ आपको ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़े आराम से आपको पता लग जाएगा। पहले वाला जो तरीका था दोस्तों मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लाई का बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे देख लेना। पर अगर ऐसे 3-4 संख्या है तो आप पहले इसे कंपेयर करेंगे फिर उसे, तो थोड़ा सा दूर हो जाता है पर हो जाता है उससे भी दोस्तों। पर इसमें कैसे पता लगाएंगे, इसमें सिंपल है दोस्तों। अगर नीचे वालों के ऊपर, नीचे से ऊपर में बीच में सेम डिफरेंस है, देखो 7 में से 5 गए दोस्तों कितने बजे 2, 7 में से 5 गए 2 और 11 में से 9 गए बजे 2, 15 में से 13 गए बजे 2, 19 में से 17 गए बजे 2। तो दोस्तों इसमें जिसके नीचे, जिसके ऊपर सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस कितने का दोस्तों 2-2 का डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में। अगर सबके बीच में दोस्तों सेम डिफरेंस है, देखो 7 में से 5 गए 2, 11 में से 9 गए बचे 2, 15 में से 13 गए बचे 2, 19 में से 17 गए बचे 2, अगर दोस्तों सारी फ्रैक्शंस के बीच में सेम डिफरेंस हो तो जो सबसे बड़ी संख्या ऊपर लिखी हो, सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी है 17, तो वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। देखा कितने आराम से पता लग गया 17/19 ये सबसे बड़ी है। और जिसके ऊपर दोस्तों सबसे छोटी संख्या लिखी होगी वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 5/7 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है, ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी भिन्न है। देखा दोस्तों कितने आराम से आपने पता लगा लिया कि इन सब में कौन सी। तो ये सिर्फ याद रखना है, पहले एक बार चेक कर लेना आप सोल्व करने से पहले कि सबके बीच का डिफरेंस सेम है। अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम है तो दोस्तों आप बड़े आराम से बता देंगे कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, भी बताने वाला हूं दोस्तों फ्रैक्शन के बारे में कि और अगर ऐसे फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें कैसे आप बताओगे। एक जनरल मेथड बताऊंगा दोस्तों जो सब में लागू होगा, सारी फ्रैक्शंस में लागू होगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।